सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं नंदी, कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हेयर रिमूवल, अनचाहे बालों को साफ करने का, या फिर अनचाहे जो प्राइवेट पार्ट होते हैं अगर काले पड़ गए हैं तो वहाँ के जो काली स्किन है उसको साफ करने का बेस्ट घरेलू नुस्खा आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है, काली स्किन को भी साफ करेगा। इस नुस्खे को आप अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं, चेहरे पर जैसे कि काले दाग, धब्बे, पिंपल्स या फिर जो फोड़ी जैसी समस्या होती है और वहाँ पर जो पक जाते हैं, पस जैसे निकलता है, तो आप उसको भी साफ कर सकते हैं इस नुस्खे से। तो जिन भी कपल्स को, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप दोनों लोग इस नुस्खे को ट्राई कर सकते हैं। आप इतनी सारी प्रॉब्लम को सिर्फ एक नुस्खे से दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई भी नई नई वीडियो बने तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच सके। और हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर को अगर अभी तक आप लोग फॉलो नहीं किए हैं तो जाइए उसे भी फॉलो करें, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। और इस वीडियो में जो भी चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करें सिर्फ एजुकेशन के तौर पे शेयर करें, इससे आप लोगों को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी मकसद या उद्देश्य नहीं है। सो चलिए, लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। इस नुस्खे में आपको लेना है 2 चम्मच कॉफ़ी, जी हाँ, अच्छे ब्रांड का कॉफ़ी होना चाहिए। और इसमें 2 चम्मच आपको शहद मिलाना है। शहद एक ऐसा चीज़, शहद यानी हनी, वो ऐसा चीज़ है जो कि आपके अनचाहे बालों को भी साफ करेगा, काली स्किन को भी साफ करेगा, दाग धब्बे पिंपल्स को भी जड़ से साफ करने का काम करता है। तो इसलिए 2 चम्मच हनी और 2 चम्मच कॉफ़ी, इन इसको मिक्स करके हल्का से इसको गर्म कर लें, ठीक है। हल्का गुनगुना रहे तभी आप इसके, यानी कि हल्का गर्म रहे तभी आप अपने हाथों के सहारे या फिर ब्रश के सहारे अपने अनचाहे बालों पर लगाएं, जहां पर आपको दाग धब्बे पिंपल्स हैं वहां पर लगाकर इसको थोड़ा मसले मसाज करें। थोड़ी टाइम तक इस तरीके से थोड़ा इसको लगाकर मसाज करेंगे तो जो बाल हैं या फिर जो दाग धब्बे हैं, जो काली स्किन है, आसानी से साफ हो जाएंगे। फिर उसके बाद 10 मिनट तक इसको ऐसे छोड़ दें, पानी से साफ करें। गुनगुने पानी से साफ करने के बाद इसके कॉटन के कपड़े से वहां पे उसको पानी को सुखाएं और फिर नारियल का तेल या फिर जो एलोवेरा जेल, इन दोनों में से कोई एक है आपके पास, तो उससे वहां पर उसका मसाज करें, ठीक है। अब मान लीजिए आप अपने अंडर गार्मेंट्स या प्राइवेट पार्ट पर लगाकर अपने बालों को अगर साफ कर रहे हो तो वहां पर इस बात को ध्यान दें कि आपको हमेशा, मैंने आप लोगों को यही बताया कि जब भी आप लगा रहे हो तो जो आपके बाल अगर नीचे की तरफ झुका है तो उसको ऊपर की तरफ आप लगाकर करोगे तभी आपके बाल जल्दी से निकलेंगे, साफ होंगे। तो इस तरीके से आपको लगा के करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। कम से कम 5 से 6, मान लीजिए आप 30 से 40 सेकंड इस तरीके से करते रहिए, इस तरीके से मसाज करते रहिए। अच्छे से जब लग जाए तो उसको फिर 5 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर उसको गुनगुने पानी से साफ कर लें, फिर वहाँ पर नारियल का तेल या फिर एलोवेरा जेल से मसाज करें ताकि जो स्किन है मुलायम रहे और खूबसूरत दिखे, चमकदार हो। इस तरीके से हफ्ते में 3 से 4 बार करें। आपके जो बाल हैं तो पहली बार में आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क मिलेगा कि जो बाल हैं पहली बार में वहाँ पे निकलकर साफ हो जाएंगे। बस इस नुस्खे को इसी तरीके से काले स्किन, दाग धब्बे, पिंपल्स को दूर करने के लिए अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं या फिर अपने हाथ पर, इस जैसे इस पेस्ट को अगर ज़्यादा बनाकर अपने हाथ पर भी लगा सकते हैं काले स्किन को साफ करने के लिए। जो पैर की गुठियाँ होती हैं, पैर के गुठियों पर भी इस पेस्ट को लगा सकते हैं, क्योंकि काली स्किन को भी साफ करेगा, नेचुरल दाग धब्बे को भी साफ करेगा। होम रेमेडीज है, नेचुरल तरीके से काम करेगा, साथ ही साथ आपके अनचाहे बालों को भी साफ करेगा। गाइस, नुस्खा एक है लेकिन फायदे इसके कई सारे हैं, कई सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा। सो गाइस, इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो, नए टिप्स, नई जानकारी, नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए आप लोग जहां भी रहें अपना एंड अपने फैमिली का ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।